अखिल भारतीय त्रिमान सभा एवं छत्री परिवार के द्वारा बड़ी संख्या में एसपी ऑफिस से कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें संयोजक मनोज सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि राजेश सिंह बघेल जयप्रकाश निवासी आधारताल वर्तमान में आरटीओ कार्यालय जबलपुर में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ हैं। दिनांक 16 फरवरी को शासकीय कार्य हेतु हाईकोर्ट में आरटीओ कार्यालय जाते समय भानतलैया स्कूल के सामने मोटरसाइकिल में सवार अज्ञात 3 तत्व द्वारा प्राणघात हमला चाकू से वार कर घायल कर दिया गया था, जिसकी FIR बेलबाग में दर्ज की गई थी। अखिल भारतीय छत्री महासभा इस घटना की घोर निंदा करती है एवं ध्यान आकर्षित करते हुए उचित कार्रवाई की अपेक्षा करती है। पुलिस से प्रशासन से मांग करती है कि पूर्व में हिमांशु तिवारी द्वारा श्री राजेश सिंह को चाकू मारने की धमकी दी गई थी, क्योंकि यह घटना शासकीय कार्य करते हुए घटित हुई है, इसलिए शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया जाए, निष्पक्ष जाँच करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की जाए एवं भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, अन्यथा छत्री महासभा घोर विरोध करते हुए उग्र आंदोलन करेगी। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारीगण आए हैं, जिनके द्वारा अभी 16 तारीख को एक घटना थाना बेलबाग क्षेत्रांतर्गत हुई थी, जिसमें कि एक RTO में कर्मचारी जो हैं वो हाईकोर्ट के काम से वापस लौट रहे थे, तो उनके साथ एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो भी आरोपी हैं उनकी शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तारी की जाए एवं क्योंकि ये शासकीय कार्य से जा रहे थे तो समुचित धाराओं का संयोग किया जाए। ये धारा को लेकर के चर्चा की गई है कि इनके जो इनका ये कहना है कि वो शासकीय कार्य से, क्योंकि हाईकोर्ट से RTO के ऑफिस की तरफ जा रहे थे उसी समय ये घटना हुई है, तो क्योंकि शासकीय कर्मचारी हैं तो वो धारा जिसमें शासकीय कार्य में बाधा डाली जाए उस धारा का समायोजित किया जाए, तो जिस विषय में अब ये जांच जो है एक बार CSP ओमती सर को मार की जा रही है, तो अगर ऐसा पाया जाएगा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के मंशा से ऐसा कार्य किया गया है तो उस धारा का समावेश इसमें किया जाएगा। आज अखिल भारतीय छत्री महासभा जबलपुर के सदस्यों के द्वारा विगत 16 तारीख को RTO में पदस्थ राजेंद्र सिंह बघेल के साथ हुई घटित घटना के संदर्भ में SP ऑफिस पहुंचकर छत्री सभा के सदस्यों ने SP साहब से संपर्क कर DSP तुषार सिंह जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमारी सभा ने आग्रह किया है कि RTO में पदस्थ राजेंद्र सिंह बघेल, जिनके साथ 16 तारीख को चाकूबाजी की घटना हुई है, प्राणघातक हमला हुआ है, उससे नामजद व्यक्ति जो भी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी छानबीन की जाए और उन्हें गिरफ्तार कर राजेंद्र सिंह जी बघेल को न्याय दिया जाए। अगर हमारे समाज के सदस्य राजेंद्र सिंह बघेल जी के साथ न्याय नहीं होता है तो हम छत्री सभा आगे कदम बढ़ाएंगे और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। SP साहब से हमारी यह भी मांग है कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की पुनरावृत्ति पुनः दोबारा ना हो। आज एक शासकीय कर्मचारी के साथ है, आम जनता के साथ प्रतिदिन चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं और ऐसे बहुत से बेगुनाह लोग भी हैं कि जो इस घटना में संलिप्त नहीं रहते, ऐसी घटनाओं में वह भी बंद कर दिए जाते हैं, पर वास्तविक अपराधी, ये घटना आज 5-6 दिन हो रहा है, अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं मिला है, और किसी बड़े लोगों के साथ अगर यह घटना होती तो पुलिस 4 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लेती है, पाताल से निकाल लाती है। आरोपी कौन है और ये कार्रवाई अभी तक क्यों